इस वीडियो में हम बात करेंगे 2002 की फिल्म सोलिनो के बारे में, जो कहानी है जियांकार्लो और जीजी नाम के दो भाइयों की, जिन्हें एक ही लड़की से प्यार हुआ और इस वजह से उन दोनों भाइयों का रिश्ता टूट गया। जीजी और जियांकार्लो जर्मनी और इटली में रहने वाले दो इटालियन भाई हैं, जिनका रिश्ता खराब हो चुका है और एक दूसरे से बात ना करने के बावजूद वो दोनों अपने बचपन को हर वक्त याद करते हैं। 1960 के दौर में वो दोनों अपने माता पिता के साथ इटली के छोटे से गांव सोलिनो में रहते थे, जहां बदमाशियां करते हुए अक्सर जीजी मुसीबत में पड़ जाता था। उन दोनों की वजह से उनके परिवार वाले भी परेशानियां झेलते थे, पर ये परेशानियां हमेशा मजाकिया माहौल बना देती थी। एक दिन ऐसी ही परेशानियों के बीच जीजी के नाना की मौत हो गई। उनकी मौत के तुरंत बाद जीजी के पिता रोमानो और रोजा ने जर्मनी जाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया और इस बात से अनजान दोनों बच्चे अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताने में गुम थे। जीजी अदा नाम की लड़की को पसंद करता था और वो इस बात से खुश था कि वो जल्द ही जर्मनी जाकर बर्फ देख पाएगा। जियांकार्लो सोलिनो छोड़कर नहीं जाना चाहता था, पर रोमानो की बात मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। जाने से पहले जीजी ने अदा से अलविदा कहा और जब उसने अपनी माँ से बात की तो वो समझ गया कि रोजा खुद भी जर्मनी जाना नहीं चाहती। वो बहुत देर तक ट्रेन के सफर को टालती रही, जिसकी वजह से रोमानो बेचैन होने लगा, पर उसकी बात मानकर स्टेशन मास्टर ने ट्रेन तब तक रोक कर रखी जब तक रोजा स्टेशन नहीं पहुंची। अदा से तोहफे में कुकीज लेकर जीजी ने वादा किया कि वो उसके लिए जर्मनी की बर्फ लेकर आएगा, पर वो ये नहीं जानता था कि शायद वो कभी सोलिनो लौट कर ही नहीं आने वाला। वो परिवार जब जर्मनी पहुंचा तब उन्हें रोमानो का दोस्त मिला, जो उन्हें उनके नए घर में ले गया। रोजा इस बात से खुश नहीं थी कि उस घर में बाथरूम तक नहीं है, पर हालात और बिगड़ने वाले थे। रोमानो ने एक माइनिंग कंपनी के लिए मजदूरी का काम शुरू किया और रोजा इस नए देश में अपने दोनों बच्चों को पालने की कोशिश करने लगी। जियांकार्लो और जीजी दोनों के जीने का तरीका अलग था, पर अलग होने के बावजूद वो दोनों हर वक्त साथ रहते थे। रोमानो मजदूरी करना नहीं चाहता था, इसलिए वो नया काम ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर रोजा जानती थी कि नया काम ढूंढने की कोशिश में उन्हें पैसों की कमी होने वाली है। वो वापस इटली नहीं जा सकते थे, इसलिए रोजा को लगने लगा कि इस देश में आकर वो लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी ओर जीजी ये सोचकर परेशान था कि अब तक जर्मनी में उसने बर्फ नहीं देखी। वो रोमानो के साथ जर्मन भाषा सीखने लगा और इस बीच रोजा को पता चला कि वो लोग अपने घर के सामने एक रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हैं। रोजा ने एक पिज्जा रेस्टोरेंट शुरू करने का प्लान बनाया और रेस्टोरेंट के लिए जगह मिलते ही जीजी को योहाना नाम की एक नई दोस्त भी मिल गई। जीजी की तरह जियांकार्लो भी योहाना को पसंद करने लगा था, इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। जल्द ही रेस्टोरेंट शुरू हुआ और रोमानो रेस्टोरेंट का नाम सोचने लगा। रोजा ने कहा कि वो उस जगह को सोलिनो नाम देना चाहती है और ये सुनकर रोमानो खुश हो गया। योहाना के आने से दोनों भाइयों के बीच लड़ाइयां बढ़ती गई और जीजी अपने भाई से ज्यादा उस शहर के एक फोटोग्राफर क्लासिन के साथ वक्त बिताने लगा। क्लासिन ने उसे फोटोग्राफी सिखानी शुरू की और तब जीजी ने बताया कि वो अपनी दोस्त अदा के लिए बर्फ लेकर जाना चाहता है और तस्वीर ही एक ऐसा जरिया है जिससे वो अपना ये वादा पूरा कर सकता है। क्लासिन ने उसे अपना एक कैमरा दिया और खुशी खुशी वो अपने माता पिता के रेस्टोरेंट सोलिनो में पहुंचा। रोमानो चाहता था कि रोजा कस्टमर्स को कम खाना दे ताकि उन लोगों के पैसे बच सके, पर वो खुद ही एक टीवी खरीद कर ले आया, जिसे देखकर रोजा नाराज हो गई। कुछ दिन बाद सोलिनो में रोजा ने नाजी सिपाहियों को देखा और उन्हें देखकर वो घर छोड़ने की बात करने लगी, क्योंकि वॉर खत्म होने के बाद भी नाजी सिपाही वहां रह रहे हैं। पर रोमानो ने उसे समझाया कि वो लोग सिर्फ एक्टर्स हैं जो शूटिंग के बीच खाना खाने आए हैं। शांत होने के बावजूद रोजा ने कहा कि वो नाजी सिपाहियों को खाना नहीं देगी और उन सारे एक्टर्स को अपने कपड़े बदल कर वहाँ आना पड़ा। उस दिन जीजी ने फिल्म के डायरेक्टर को देखा, जिसका रूड बर्ताव उसे पसंद नहीं आया। बाल्डी नाम का वो आदमी इसलिए चिल्ला रहा था क्योंकि उसकी फिल्म के लिए उसके पास लंबे ट्रैक्स नहीं थे, पर फिर जीजी ने उसे एक आइडिया दिया जिसे देखकर बाल्डी इम्प्रेस हो गया और उस दिन के बाद जीजी उस शूट का हिस्सा बन गया। ये सब कुछ देखकर जियांकार्लो को जलन महसूस हुई, पर जीजी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ बाल्डी पर था क्योंकि वो भी उसकी तरह फिल्में बनाना चाहता था। बाल्डी ने जीजी को दुनिया की हर एक चीज ध्यान से नोटिस करना सिखाया और इस सीख के साथ उसने जीजी को एक लेंस भी तोहफे में दिया। जीजी खुशी खुशी उस लेंस के साथ नई दुनिया देख रहा था।
पर उसके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जीजी को बाल्डी और उस जैसे लोगों से दूर रहना होगा। जीजी योहाना के साथ भी वक्त नहीं बिता पा रहा था क्योंकि जियांकार्लो उसका ध्यान भटकाकर उसे योहाना से दूर करने लगा। कुछ साल बीते और जीजी अपने भाई के साथ सोलिनो संभालने लगा। रोमानो चाहता था कि जीजी एम्स्टरडैम के कॉलेज में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करे, पर जीजी आज भी बाल्डी की बातों को याद करके उसके जैसा बनने के सपने देख रहा था। जीजी और जियांकार्लो के बीच परेशानियां बढ़ने वाली थी क्योंकि वो दोनों योहाना से प्यार करते थे और इस बीच रोमानो और रोजा का भी रिश्ता बिगड़ता जा रहा था। घर के हालात तो बिगड़ ही रहे थे, पर जीजी और जियांकार्लो भी ऐसी हरकतें कर रहे थे जो रोमानो को पसंद नहीं आ रही थी। ड्रग्स के नशे में उन दोनों को अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी और इस सब की वजह से रोमानो ने अगले दिन उन्हें घर से निकाल दिया। उन दोनों को शहर से दूर भेज दिया गया और उनके जाने के बाद रोजा और रोमानो दोनों अकेले हो गए। दोनों भाई उस नए इलाके में अपनी नई जिंदगी के मजे उठा रहे थे और कुछ दिन बाद योहाना भी उन दोनों के साथ रहने लगी। रोजा उन्हें वापस अपने घर ले जाना चाहती थी, पर जियांकार्लो ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, जबकि वो जानता था कि रोजा को उनकी जरूरत है। जीजी सोलिनो में अपना काम जारी रखने के लिए राजी हो गया, पर इस वजह से वो योहाना के साथ कम वक्त बिताने लगा और जियांकार्लो योहाना के करीब जाने लगा। दोनों भाइयों का एक कॉम्पिटिशन शुरू हो गया, पर इस कॉम्पिटिशन की वजह से वो एक दूसरे से दूर नहीं हुए। एक रात शहर में टहलते हुए जीजी की नजर क्लासन की दुकान में पड़ी और उस दुकान में उसने एक फिल्म कैमरा देखा। उसने रोमानो से कहा कि वो उस फिल्म कैमरा को खरीद कर एक फिल्म बनाना चाहता है, पर रोमानो ने साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बहस हो गई। रोजा के पास कुछ पैसे थे, पर उतने पैसे काफी नहीं थे, इसलिए जियांकार्लो ने उस कैमरा को चुराने का फैसला किया। जीजी चोरी नहीं करना चाहता था, पर उसे अपने भाई का साथ देना पड़ा। जियांकार्लो की वजह से जीजी पुलिस के हाथ लग गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से रोमानो उससे और ज्यादा नफरत करने लगा। रोमानो के अलावा जियांकार्लो के साथ भी उसका रिश्ता बिगड़ गया था, पर वो ये नहीं चाहता था कि क्लासन भी उससे नफरत करने लगे। इसीलिए उसी दिन पैसे लेकर वो क्लासन के पास गया और उसे माफ करके क्लासन ने उसे एक असली फिल्म कैमरा दिखाया और तोहफे में वो कैमरा उसे दे दिया। वो जानता था कि जीजी एक अच्छा लड़का है, इसलिए वो चाहता था कि जीजी अपना सपना पूरा करे। योहाना के साथ कैमरा टेस्ट करते हुए जीजी ने उसे बताया कि वो उससे प्यार करता है और उस दिन उन दोनों का रिश्ता शुरू हुआ, जिसके बारे में जियांकार्लो को भी पता चल गया। वो खुद भी योहाना से प्यार करता था, इसलिए उसका दिल टूट गया। रोजा दिन भर काम करके थकने लगी, पर रोमानो ने उसकी मदद के लिए कुक रखने से साफ इनकार कर दिया। इस परेशानी से दूर जाकर जीजी ने अपनी पहली फिल्म बनाई, पर वो फिल्म उन लोगों को पसंद नहीं आई जो उसकी अगली फिल्म प्रोड्यूस करने वाले थे और इस फिल्म को एक कॉम्पिटिशन में भेजने वाले थे। अपने भाई की मदद करने के लिए जियांकार्लो ने खुद पैसों का इंतजाम किया और बिगड़ा हुआ उनका रिश्ता फिर से सुधरने लगा। कुछ दिन बाद रोजा ने उन दोनों की तस्वीर न्यूज़पेपर में देखी और न्यूज़पेपर लेकर वो घर की ओर दौड़ पड़ी। वो रोमानो को ये बात बताना चाहती थी, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। बहुत देर तक उसे ढूंढने के बाद रोजा को पता चला कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और जिस बात का उसे शक हमेशा से था वो सही साबित हुआ। अपनी माँ को इस तरह टूटते देख जीजी की फिक्र बढ़ने लगी और उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर वो मौका मिलते ही रोजा को एक डॉक्टर के पास ले गया, जिसने बताया कि रोजा को शायद कैंसर की बीमारी हो सकती है। रोजा के पास कितना वक्त बचा है ये डॉक्टर्स भी नहीं जानते और ये सुनकर रोजा ने वापस अपने घर इटली जाने का फैसला किया। अपनी माँ को लेकर जीजी सोलिनो जाने की तैयारी करने लगा और जाने से पहले उसने जियांकार्लो को अपना कैमरा दे दिया। सोलिनो लौटकर जीजी को पता चला कि वह कुछ भी नहीं बदला है, पर अदा के लिए जीजी पूरी तरह बदल गया था। वो अपना बर्फ लाने का वादा भी भूल गया और अदा के लिए अपना प्यार भी। अपने भाई के घर में रहकर रोजा को बेहतर महसूस हो रहा था, पर जीजी वापस जर्मनी लौटना चाहता था। उसे जियांकार्लो भी अपने पास बुलाने लगा क्योंकि उनकी बनाई फिल्म को अवार्ड मिलने वाला है। वो वापस जर्मनी लौटने की खुशी में इतना गुम था कि उसने अदा पर ध्यान नहीं दिया, पर अगले दिन जब वो ट्रेन के पास गया तो उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी माँ को तो ये बताया ही नहीं कि वो जर्मनी जाने वाला है। इस बेचैनी में उसकी ट्रेन छूट गई और उसे घर लौटकर आना पड़ा। वो अकेले सोलिनो में बैठकर अपने अवार्ड के बारे में सोचता रहा और दूसरी ओर जियांकार्लो को अपने भाई की तरफ से वो अवार्ड लेना पड़ा। अवार्ड के बारे में जानकर जीजी खुश तो था, पर वो ये नहीं जानता था कि उसकी जगह लोग जियांकार्लो को फिल्म डायरेक्टर समझ रहे हैं और उसे फिल्म बनाने का मौका दे रहे हैं। जब न्यूज़पेपर्स में ये बात फैलने लगी कि वो फिल्म सिर्फ जियांकार्लो ने बनाई है, तो जीजी और योहाना दोनों को बुरा लगा। पर इस सब के बावजूद योहाना ने भी जीजी को धोखा दे दिया और जियांकार्लो के साथ एक अफेयर शुरू किया।
जीजी को इस अफेयर के बारे में जल्द ही पता चल गया और उस दिन के बाद वो अपने भाई और योहाना को कभी माफ नहीं कर पाया। जियांकार्लो ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, पर ऐसा करके जियांकार्लो ने खुद अपना भाई खो दिया। उसके अलावा जीजी अपने पिता से भी नफरत करने लगा था और उसकी नफरत तब बढ़ गई जब रोमानो ने रोजा के इलाज के लिए पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। वो वापस सोलिनो लौट आया और इस बार वो एक बदला हुआ इंसान बनकर आया। उसने उस इलाके में काम करना शुरू कर दिया और एक दिन अदा से कहा कि वो उसके लिए कुछ लेकर आया है। आखिरकार अपना वादा निभाकर अदा को उसने जर्मनी की बर्फ दिखाई और तब उसे अदा ने इलाके में एक मूवी थिएटर बनाने का आइडिया दिया। थिएटर बनाते ही जीजी अदा से वो इटालियन भाषा सीखने लगा जो वो भूल चुका था। जीजी खुश तो था पर उसका फिल्म बनाने का सपना अब भी अधूरा रह गया था। इसलिए एक दिन रोजा ने उसे अपनी जिंदगी जीने की सलाह दी और कहा कि उसे फिल्म बनानी चाहिए। अदा के साथ मिलकर जल्द ही जीजी ने थिएटर बना लिया और उससे बातें करते हुए उसे एहसास हुआ कि जो खुशी उसे सोलिनो में मिल सकती है वो जर्मनी में कभी नहीं मिलेगी। 10 साल तक अपने पिता और भाई से दूर रहने के बाद जीजी ने रोमानो को कॉल किया और उसे बताया कि वो शादी करने वाला है, पर रोमानो उसकी शादी में ना आने के बहाने बनाने लगा क्योंकि वो उसका और रोजा का सामना नहीं करना चाहता था। जियांकार्लो उसके बुलाने पर सोलिनो आ पहुंचा और वो दोनों भाई इलाके में टहलते हुए अपने बचपन को याद करने लगे। रोजा अब ठीक हो चुकी थी और अपने परिवार के साथ खुशी से जी रही थी। जियांकार्लो की बातों से जीजी को समझ आ गया कि योहाना ने उसे छोड़ दिया है और उसे माफ करके जीजी ने उसे उस थिएटर में शामिल किया जहां वो अपनी फिल्म दिखाने वाला है। उसने सोलिनो के हर इंसान के बारे में एक फिल्म बनाई थी जिसे देखकर हर कोई खुश हुआ और उस फिल्म को दिखाने के बाद उसने अपने और जियांकार्लो के बीच के सारे गिले शिकवे मिटा दिए और दोनों भाई उस दिन के बाद सोलिनो में ही रहने लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।